स्कूल मिस कर रही हो? नॉट रियली, अच्छी नहीं लगती मुझे वो अब जगह। आई एम ग्लैड आई एम नॉट गोइंग, वहां पर अच्छे लोग नहीं है। लोग अच्छे बुरे नहीं होते तानिया, लोगों की सोच अच्छी बुरी होती है। और ये सोच तुम्हें दुनिया में हर जगह मिलेगी। एक बात पूछ सकता हूं? आर यू मैरिड मी? मेरी वजह से तुम लोग इतना सफर कर रहे हो, स्कूल में लड़ाई झगड़े, तुम स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्ट नहीं हुई। जानते हो ना, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम लोग साथ ही सब कुछ हो। इट्स ओके बाबा, आपकी गलती नहीं है, इट्स ऑन देम। हम घर नहीं जा रहे? नहीं, एक्चुअली एक और जरूरी काम था जिसके लिए मैं तुम्हें साथ लाया था। मुझे लगा कि मेरी बेटी बैडमिंटन कोर्ट को बहुत मिस कर रही है, तो आई थॉट कि क्यों ना हम किसी ऐसी जगह जाएं जहां वी कैन हैव अ गुड फादर डॉटर टाइम, वी कैन प्ले और कोई हमें तंग ना करे। सो प्लान ऑन है? हो जाए। इसलिए तुम्हारे छोटे भाई को नहीं लाया था ना, उसने हमें खेलने नहीं देना था। सीधे सीधे बता दे वो दोनों कहाँ हैं? चले गए हैं अपने गांव, मैं नहीं जानता कहाँ हैं वो दोनों, को नहीं पता। अम्मा ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भगाओ इसे यहाँ से। फौजिया तू चुप कर अभी। देखो अनवर, तुम्हें हिरासत में भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। तसल्ली हो गई आपको? तसल्ली? मेरी बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है बेगम साहिबा। तुम्हारी बच्ची की हरकतें कम है क्या? मेरी नौकरी पर लात मारने की कोशिश नहीं की थी क्या इसने? इसका बदला तो उसकी इज्जत से लेगा। माफी मांग उनसे। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप? क्या चाहते हैं आप लोग? आप मुझे चाहिए थी हमारी, हो गए खामोश। क्यों मेरी बच्ची की बार बार इस तरह जलील कर रहे हो? ले जाए से। माफी तो मैं तुझसे मांगूंगा नहीं। तुझे पसंद करता था और अब तो मोहब्बत करता हूं। मैं खड़े खड़े शादी करने के लिए तैयार हूं तुझसे। तू एक बार बस हाँ कह दे। तू हाँ कह दे, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार हाँ कह दे। आप परेशान नहीं हो, ये अब पुलिस की निगरानी में रहेगा। मैंने आपसे कहा था मैं इसको आपके सामने लेकर आऊंगी और मैं ले आई। मैंने अपना वादा पूरा किया है, अब आप भी अपना वादा पूरा कर लें प्लीज। ना बाप ना भाई न कोई परेशान हाल, पिछले 4 साल से हमारी फाउंडेशन ने न सिर्फ इनकी किफालत की है बल्कि इन्हें नौकरियां भी दी हैं। जी ये तो हम सभी जानते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इन गांव और देहातों से हटकर आपकी असल जिम्मेदारी तो उन लोगों की मदद करना है जो कि आपकी पहुंच में है। ईमान साहिबा आप ही के फाउंडेशन का हिस्सा है ना, उनके घर पे काम करने वाली लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया है और इस बात को दबाया जा रहा है। और ये भी देख रहे हैं हम कि आपकी तरफ से कोई भी स्टांस जाहिर नहीं किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? माफ कीजिएगा, मैं इस मामले से बिल्कुल लाइल्म हूं और वैसे भी ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। आप कोई और सवाल?
समझती क्या हो तुम खुद को? एक आर्टिकल लिखकर क्या बिगाड़ लोगी मेरा? अगर तुम्हें कहीं नौकरी मिल गई ना तो नाम बदल लेना मेरा, देख लूंगा। देख लो जो देखना है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कंपनी से ब्लैकलिस्ट करवा सकते हो? तो मैं तुम्हें पूरे मुल्क से ब्लैकलिस्ट नहीं करवा सकती। ये धमकी है ना किसी और को देना। सालार खान, बुशरा हबीब जी, जर्नलिस्ट राइट? तीसरी सुपरमार्केट चेंज किया मैंने, यहां भी पहुंच गए आप लोग। मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, शायद दिमागी तौर पे कर रही थी, पर मैं तो यहीं आती हूं। आपको यहां पहली बार देखा है। पहले जहां से घर का सामान लेता था वहां मेरा आने जाना पसंद नहीं है उनको। कंफर्टेबल कर देता हूं सबको, चाहे लोग हो या चाय के पत्ती, साबुन, सब कुछ। सर, व्हेनेवर यू फ्री प्लीज लेट मी नो। सो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं सवाल जो आपके सिलसिलों से तंग आ चुका हूं, थक गया हूं। बार बार एक ही बात दोहराना, इट्स गॉटन अ बिट टू मच। सवाल भी आपके होंगे और जवाब भी आपके। कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई पुरानी बात नहीं होगी, सिर्फ वो जो लोग सुनना नहीं चाहते। आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हैं? किसी के लिए भी नहीं, इनफैक्ट शायद मेरी नौकरी भी आप ही की वजह से गई है। What? मेरी वजह से? फिर कभी समझाऊंगी, सोचिएगा जरूर। क्या तुमने नया एड देखा सालार का? क्या लग रहा है उसमें? इतना खास भी नहीं लग रहा। He is aging. हर कोई उसके बारे में लिख रहा है, हम क्या कर रहे हैं? Nothing. कुछ नहीं करेंगे हम। आयशा, सलाउद्दीन साहब खा जाएंगे हमें, वो हमारे पार्टनर है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो कर लो, मुझसे मत पूछो। ठीक है, आर्टिकल के नीचे लिखवा देता हूँ कि रिव्यू में की गई तारीफ से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। श्योर, लिखवा दो। अनबिलीवेबल। देखे हिमान बीबी ने इस मामले में हमारे साथ पूरा ताउन किया है, हालांकि उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी। मेरी बच्ची अब खैर खैरियत से है, घरेलू नाचाकी की वजह से वो चली गई थी। जब मिली तो भूख प्यास से तबीयत खराब हो गई थी। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दें। आप लोगों के घर में बहन बेटियां हैं, यूं झूठी खबरों को हवा मत दीजिए। आप लोगों से गुजारिश है कि इस बात को बस यहीं ख़त्म कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी।
आरा, what happened बेटा? सारे अरेंजमेंट्स तो बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं ना जैसे आपने कहा था। बर्थडे पे तो बच्चे खुश होते हैं ना। पापा, तानिया और जरा क्यों नहीं आएंगे मेरे बर्थडे पार्टी में? तो यहाँ है नहीं ना। पापा, आप झूठ बोल रहे हैं। वो यहीं पे। अरे, आयरा, आमना तुम जोया से बात कर लो अगर मान जाए। प्लीज वही, ये सब तुम ही करो। वैसे भी टर्म्स तुमने ही खराब किए उनके साथ। रियली रियली आमना, और किसके कहने पे बिगाड़े हैं ये बता सकती हो प्लीज? मैंने सही बात का साथ देने के लिए कहा था, दुश्मन बनने के लिए नहीं। अच्छा, तो मैं बात खत्म कर लूं तो दुश्मनी हो जाए, और तुम जो प्रोटेस्ट पे जा रही हो वो क्या है? तो तुम में और मुझ में कोई फर्क रहा? खैर, मैं किसी से बात नहीं कर रही। कर लो बच्चे की नाराजगी बर्दाश्त, हर वक्त सबको खुश नहीं किया जा सकता। मुझे अपने वकील से अभी और इसी वक्त बात करनी है। देखो मियाँ, जितनी इजाजत मिल रही है काफी है, यहाँ लोगों को वो भी नहीं मिलती। सुबह 10 बजे सेशन कोर्ट जाना है आपने। अबे भाड़ में जाए कोर्ट, तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? मुझे उससे बात करनी है। जा बोल आपने साहब को, बोल मुझे बात करनी है। समझने की कोशिश करें। अबे तू मेरी बात समझ, जितना बोल रहा हूं उतना कर। आई अंडरस्टैंड, आप लोग मेरे स्कूल आने में कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन अब मैं अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। ये आप गलत कह रहे हैं सलार साहब। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। व्हाट हैपेंड टू इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी? मेरे बच्चों को स्कूल के स्टाफ की तरफ से, उनके अपने दोस्तों की तरफ से जिस तरह के रवैये और तनकीद का निशाना बनाया गया, अगर उसके बाद भी मैं उन्हें यहां भेजता रहूं तो तब अपनी नजरों में जाके मुजरिम कहलाऊंगा मैं। आप जानते हैं इंस्टीट्यूट शहर के बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से है। इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अगर मेरे बच्चे रोकर बुली होकर घर आए तो उसे बेहतर है मैं उन्हें किसी गली मोहल्ले के स्कूल में भिजवा दूं, उन्हें इंसान समझा जाएगा। और सब कंप्लेंट्स आप तक पहुंची लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। वेल, हर चीज पे एक्शन लेना हमारी पॉलिसी नहीं है सालार साहब। I'm glad you made that clear. Actually, मुझे बहुत पहले समझ आना चाहिए था कि जिस जल्दी में आपने मेरे बच्चों को एडमिशन दिया कि सेलिब्रिटी के घर से हैं, उनके आने से आपके स्कूल की रेपुटेशन बढ़ेगी। मैं एक बात भूल गया कि मेरे बच्चों की क्रेडिबिलिटी भी मेरे करियर के उतार चढ़ाव के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कुछ भी कर लें। मेरे बच्चे मुझसे कहीं ज्यादा इज्जतदार हैं मैम, और इससे पहले कि आप उन्हें यहां से निकाल कर किसी हैशटैग का हिस्सा बनने की कोशिश करें, मैं उन्हें इज्जत के साथ यहां से लेकर जा रहा हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम प्लीज टू लाइन्स. ओके, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईमान एंड आई एम एट द कासिम्स क्लोथिंग लाइन कलेक्शन लॉन्च व्हिच लुक्स वेरी प्रिटी, सो आई विश देम गुड लक. थैंक यू. मिस ईमान, आप अपनी कोर्ट हियरिंग से गायब हैं, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आई अंडरस्टैंड, आप किसी को खुश नहीं देख सकते ना? नो मैम, ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए, ये सब मुझे कोर्ट में लेके जाने के लिए किया जा रहा है, जो ज़बरदस्ती की जा रही है, मुझे हरास किया जा रहा है और इंतहाई बेहुदा सवाल करके सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है. बट मैं ऐसी किसी जगह नहीं जाऊंगी जहां पर औरतों की इज्जत ना की जाती हो, चाहे मुझे नोटिस पे नोटिस भेजे जाएं या फिर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मैं वहां नहीं जाऊंगी. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. देखिए, अगर सेटलमेंट कोर्ट के बाहर हो जाती है तो मामला इतना बेकार में उछलेगा नहीं. मामला उछलेगा? मेरी बेटी कोई मामला नहीं थी. जब तक उनके बेटे को फांसी नहीं हो जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा. बजा है, आपका गुस्सा बजा है अपान साहब, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है ना. अगर रिश्ता खत्म हो ही गया था तो आपकी बेटी अकेले घर में उसके साथ क्या कर रही थी? वो भी आपसे झूठ बोल के. अगर मेरी बेटी किसी शख्स पर भरोसा कर गई है तो क्या उसके साथ ही सब कुछ होना चाहिए? क्या किसी की भी बेटी के साथ ये सब कुछ होना चाहिए? मुझे सही गलत के जाल में फंसाकर आप एक मुजरिम को बचाने की कोशिश मत करें. जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं कोशिश करता रहूंगा. वेलकम टू 9 PM विद मोना हैदर. हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया असफंदियार साहब. जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया. वक्त कम है तो सीधा पॉइंट पर आती हूँ. ये बताइए कि आपने इस हुकूमत में रहते हुए औरतों के हकूक के लिए बार बार आवाज़ उठाई है, लेकिन ये आवाज़ भी सिर्फ सोशल मीडिया और TV तक ही महदूद रह गई, क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो हालात सिर्फ बिगड़े हैं. देखें मोना साहबा, क्या आपकी राय है, या ये बोलूं कि आपकी गलत फहमी है? देखें मौना साहिबा, हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है. जाहिर है, कोई काम होगा तो वो हाईलाइट तो होगा ही ना. और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपनी नेकी को बड़ा चढ़ा कर उसका ढंढोरा पीटूं, तो मौना साहिबा, आई एम सॉरी, ये मुझसे होगा नहीं. मैं सादा आदमी हूँ, मुझे क्या पता इन बातों का. ये तो आपकी अच्छाई है, लेकिन बात क्या है ना असफंदियार साहब, कि घरेलू तशद्दुद और ज्यादती के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि इंसाफ शायद मिले ना मिले, जो उनकी बच्ची कुछ इज्जत है वो भी कहीं नीलाम होकर ना रह जाए. मोना साहिबा, आप शायद भूल रही हैं, हेल्पलाइन नंबर इंट्रोड्यूस कराने वाला मैं ही था. हमारे नुमाइंदे 24 घंटे कंप्लेन सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर लोग खुद ही भरोसा ना करें तो फिर कोई क्या करे. हम तो औरतों की खिदमत करने के लिए पेश पेश रहेंगे. मानू मर्डर केस के बारे में क्या ख्याल है आपका? जी, मानू मर्डर केस, मुलजिम राफे जो इकरार जुर्म कर चुका है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला आपने. मोना साहिबा, आप अच्छी तरह समझती हैं कानून को और सियासत को, तो ये केस तो अभी पुलिस और कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो
कबल इस वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा, फिर जाहिर हम पर ही इल्जाम लगता है, तो इसलिए केस तो सलार और ईमान का भी कोर्ट में ही चल रहा था, लेकिन उसके बारे में तो आप हर चैनल के ऊपर बात कर रहे थे, ऐसा क्यों? ये देखिए, आप दो चीजों को कंपेयर मत कीजिए। क्या ये बात सही नहीं है कि आप मुजरिम के वालिद हसान शेख के साथ काफी अरसा कारोबार करते रहे हैं और आप दोनों के बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स भी हैं? बेसलेस, बिल्कुल बेसलेस बात है ये। देखें मौना साहिबा, मैंने आपसे कहा है कि ये जरा हसास नौयत का मामला है, तो मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। तो इस तस्वीर के बारे में क्या ख्याल है आपका? इस तस्वीर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। सर के लिए ठंडा पानी लाओ बेटा, थोड़ा हल्का कर दो मुन्ना। Not फौजिया के लिए लाई थी। आप किसी और के हाथ से भिजवा देती बाजी। मुझे पता है आपका यहाँ आना बार बार बहुत मुश्किल होता है। फौजिया से मिल सकती हूँ? बुरा मत मानिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके बयान के बाद बहुत लड़ाई झगड़े मचे हैं खानदान। सभी मेरी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अब तो लगता है कि शायद उसके नसीब में अकेला रहना ही है। अगर आप ज्यादा मानो तो एक बात कहूं आपसे। अगर फौजिया की शादी अंदर से। जी ये क्या कह रही हैं आप? देखिए मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ, लेकिन अनवर गलत तो नहीं है, वो कोई गुंडा मवाली तो है नहीं। बाजी मुझे लगा आप में थोड़ी शर्म तो बाकी होगी। फौजिया बाजी आप मुझे बताएं, आपने जिस पर केस किया है आप तो उससे बात तक करना गवारा नहीं समझती?
आप कर लेंगे उससे शादी? मेरी गलती है जो मैं यहाँ आई, जो दिल करता है वो करो। अम्मा, बाजी ये क्या कह के चली गई? पता है बाजी के अगर 100 रुपए भी गिर जाते थे ना, तो मैं संभाल के रख देती थी, इन्हें परेशानी ना हो। आज मेरी इज्जत, माँ, क्या हमारी जान की, हमारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है? आपने जिस पर केस किया है, आप तो उससे बात तक करना गवारा नहीं समझती? आप कर लेंगे उससे शादी? पानी दे मुझे। हेलो जी मैडम, तो आ रही हैं आप? जी मैं रास्ते में हूँ। अच्छा, असल में बात यह है कि कुछ जरूरी गेस्ट आ गए थे घर पे, तो मीटिंग का वेन्यू चेंज कर दिया है। आप समारा होटल आ जाएं, रूम नंबर 809। मीटिंग आपके घर पर थी ना? मैंने कहा ना मैडम आपसे, कुछ काम पड़ गया, यहां पर सुकून से बात कर लेंगे। आपकी मर्जी है, जज साहब से बड़ी मुश्किल से 2 दिन बाद का वक्त मिला है, मैं तो मदद करना चाह रहा हूं। जी जी ऑफ कोर्स, मुलाकात होती है। सी यू। ग्रैंड होटल चलिए। हैप्पी, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, अम्मा सो रही हैं।
जी हेलो, मैं पूछ सकता हूँ ये क्या मजाक है? इसमें मजाक की क्या बात है अस्फंदियार साहब, आपने वेन्यू बदल दिया, मैंने इरादा बदल दिया। केक बहरहाल मैंने बच्चों के लिए ले लिया था, घर नहीं आ सकी इसलिए भिजवा दिया मैंने, आप उनको दे दीजिएगा। एंड यस मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जज साहब से मिलने की जहमत नहीं कीजिएगा, जो जैसा है उसको वैसा चलने दें। और बात सुनी है ना वो आपने कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती। खुदा हाफिज। बहुत प्यारी लग रही है आज। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रोज का ड्रामा है ये। मेरा हाथ छोड़े। क्यों छोड़े प्लीज? क्या समझती है खुद को? नखरे दिखाएगी मुझे, नखरे दिखाऊंगी। किससे झगड़ा मोल लेना चाहती हैं आप? सबसे तो बिगाड़ लिया आपने। आई वॉज थिंकिंग इस बार हम कुछ लाइट सा करें, समथिंग ऑन वुमेन्स डे, जस्ट द गुड स्टफ। ओके श्योर। सही से दबा, आज बहुत दुख रहा है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।